दोस्तों आज फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग थंबनेल पे देख लिए है, लॉजिक गेट के बारे में। दोस्तों आपको लॉजिक गेट याद रखने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल में आप लोग को उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं एक बेहतरीन ट्रिक, आपको ट्रिक से सभी का सभी याद करवाएंगे, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, यदि पूछा जाए लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं तो मेनली तीन प्रकार के। कौन कौन? तो देख सकते हैं, और गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे गेट है जो आप लोग को आगे अभी उसको भी याद करवाएंगे, लेकिन पूछा जाए टाइप्स कितने होते हैं तो तीन टाइप्स होते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को हम अभी याद करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देखते ही संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो दोस्तों और में यदि ओ को आधा करेंगे, ओ को आधा करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं और बड़ा सा ओ बना रहे हैं, तो ओ यहाँ पे ओ को आधा करके यहाँ पे हम लिख दिए, ये बड़ा ओ बन जाएगा। घुमाएंगे सही से आप लोग देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि कोई भी लॉजिक गेट हो उसमें आउटपुट और इनपुट होता है। तो देखिए और गेट में दो इनपुट होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका नाम ए और बी रखेंगे, और आउटपुट एक जो आगे में होता है यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। देखिए अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए y बराबर होगा ए और बी, इस टर्म में सब होगा, सब को बताएंगे, लेकिन प्लस होगा या यहाँ पे गुना होगा कन्फ्यूजन होता आप लोग को। तो देखिए आप लोग को कि एंड में कितना अक्षर दिख रहा है, ए एंड डी तीन, फिर नॉट में भी तीन, एन ओ टी तीन हो गया, लेकिन और में देखिए ओ आर दो ही मिल रहा है, तो बीच में प्लस कर दीजिए, जोड़ेंगे तीन हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग को बुलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद देखिए इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे निकालेंगे, आप लोग को निकालते जाते हैं। देखिए वाई ए बी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और y होता है। चलिए देखिए, देखिए आप लोग को यहाँ पे दोस्तों कि देखिए हमेशा इसमें जीरो और वन से शुरुआत करेंगे, जीरो रखेंगे, देखिए कैसे रखना है, जीरो रखेंगे और जीरो रखेंगे, तो जीरो जीरो क्या होगा, जीरो 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 ही हो जाएगा। उसके बाद एक बार जीरो रखेंगे और वन रखेंगे, यहाँ पे देखिए एड करिए, जीरो और वन का क्या होगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, वन हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे इस वन को इधर करेंगे, वन रखेंगे जीरो रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा वन जीरो वन हो जाएगा। फिर वन और वन रखेंगे, तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग समझ लेना कि वन वन टू नहीं लिखना बल्कि वन ही लिखना। तो ये हो गया क्या, और गेट का हो गया। उसके बाद देखिए एंड गेट में आप लोग को यहाँ पे डी दिख रहा है, तो वैसे ही डी आप लोग ऐसे बना देना, ये हो गया क्या, तो डी हो गया। अब देखिए इसमें भी दो गो इनपुट होता है, तो एक इधर से लगा देंगे एक इधर से लगा देंगे, इनपुट का नाम ए और बी देते हैं, आउटपुट आगे में एगो होता है, यहाँ पे एगो लगा देंगे, ये हो गया वाई। ठीक, तो देखिए वाई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ए और बी तो लिखवे करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें तीन गो तो हो चुका है तीन गो, तो अब देखिए इस बीच में कुछ नहीं देना है, तो कुछ नहीं रहता, तो क्या रहता है, इनटू गुना का सिंबल, तो यहाँ पे गुना हो गया, ये क्या हो गया, तो एंड गेट का इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए ट्रूथ टेबल कैसे निकालेंगे, ए लिख दिए, बी लिख दिए, वाई लिख दिए। ठीक, देखिए क्या बोले थे, पहले जीरो जीरो रखेंगे, तो जीरो 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 को गुना करेंगे, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रख करके सिंपली आपको गुना कर देना है इसमें, बस हो गया। तो जीरो जीरो को गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रखेंगे जीरो और वन, जीरो और वन को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद वन को इधर रखेंगे या जीरो को उधर रखेंगे, गुना करेंगे कितना, ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन और वन रखेंगे, वन और वन को गुना करेंगे कितना, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। तो ये हो गया आपको एंड गेट का। उसी तरह देखिए नॉट गेट का, तो देखिए नॉट गेट में आप लोग को यहाँ पे एन को हम उल्टाएंगे तो जेड बन जाता है, तो जेड के तरफ आपको ऐसे लिख देना है, ये हो गया। आप लोग को दूसरा कलर यहाँ पे लिख करके हम दिखा देते हैं।
देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जेड की तरह लिख देना है, एन को उल्टा करके जेड की तरह हम लिख दिए है, लिख दिए है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें भी तीन गो है, तो पहले इस काम को गेट बनाना है। अब इसको क्या करना, इस नीचे वाला को थोड़ा सा मिटा देना, यहाँ से यहाँ इतना मिटाना, आधा भी की तरफ आप लोग को बना देना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को कैसे बनाना है, ऐसे ऐसे बना था, इसको मिटा देना है, भी की तरफ बन गया। उसके बाद इसमें क्या करना है दोस्तों, तो आप लोग को देखिए एक मिनट कोई आ गया है, तो देखिए उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको मिला देना ऐसे करके, ऐसे करके मिला देना, ऐसे बन गया। फिर इधर से एक वो लगा देना और इधर से आगे में एक लगा देना, ठीक। इतना गया सर में, पीछे में जो इनपुट होता है उसको ए नाम और आउटपुट नाम रखेंगे, यहाँ पे वाई रखती है, ठीक। इसमें बी तो नहीं है, इसमें बी तो नहीं है, तो क्या करेंगे, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट का सिंबल यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक। ये नॉट का सिंबल होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई बराबर जो होता है ये ए हो जाएगा, क्या होगा y बराबर a, इसमें तो b का चर्चा ही नहीं है, तो क्या निकल गया दोस्तों, ये y बराबर a हो गया, लेकिन नॉट लगा हुआ है यहाँ पे जीरो का सिंबल, इसलिए यहाँ पे बार देंगे, तो ये क्या हो गया, नॉट गेट का हो गया। देखिए इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो y a दो ही होगा, क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और y लिखेंगे, ठीक। इसमें देखिए इसका ट्रुथ टेबल आप लोग देखिए, इसमें क्या पहले रखेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा, फिर वन इधर तो जीरो, बस एक दूसरे के अपोजिट आपको समझना, ये बहुत ही सिंपल है, जीरो वन और वन जीरो, बहुत ही सिंपल है, ठीक। उसके बाद देखिए आप लोग को अगला हम दिखाते हैं, अगला है यहाँ पे चौथा गेट, पांचवा भी आप लोग को सभी बताने वाले हैं। देखिए चौथा में आप लोग को यहाँ पे हम लिख चुके हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। इसमें नॉर है, मतलब और लगा हुआ है, उसमें आप लोग को नॉट लगा हुआ, तो सबसे पहले और गेट बना दिया है, और यहाँ पे नॉट अभी बताया जीरो, जैसे ओ का ऐसे सिंबल होता है, लगा दिए, तो और का जो होता है वह लगा दिया, ए प्लस बी प्लस वाला था लिख दिया है, लेकिन इसमें नॉट जब भी लगा था तो आप पीछे देख सकते हैं क्या किया, ऊपर में बार लगाए है ना, इसमें भी नॉट मिला हुआ है, पीछे में क्या किए, ऊपर में बार लगा दिए, ये क्या हो गया, बार लग गया। उसके बाद देखिए जो आप लोग को और में था उसी को आप लोग को ट्रुथ टेबल में उल्टा देना है, देखिए है ना, जीरो वन 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 है, तो इसको क्या करेंगे, वन 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 जीरो उल्टा करके लिख देना है, तो आप लोग को देखिए फिगर में है ना, वन जीरो जीरो है इसका उल्टा, तो ये हो गया आप लोग क्या, ये नॉर का हो गया। उसके बाद देखिए नंद में क्या है, एंड है, उसके बाद यहाँ पे नॉट, एंड का मतलब नॉट लगा देंगे, तो देखिए एंड का पूरा तो लिख दिया है और यहाँ पे नॉट लगा दिया है, ठीक। किसी को दिक्कत, अब देखिए वाई बराबर क्या होगा, एंड है तो डॉट वाला आप लोग पीछे में देख सकते हैं, लेकिन नॉट लगा हुआ ऊपर में बार लगा देंगे, लगा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों इसका ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे, आप लोग पहले एंड को देख लीजिए, एंड में जो दिया गया है इसी का उल्टा कर देना है, देखिए एंड में ये वाला है, इसी का उल्टा करके आप लोग को लिख देना है, देखिए है ना, यानी वन वन था, इसी का उल्टा करके ऐसे आप लोग लिख देना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, चलिए बहुत इजी तरीका है। उसके बाद देखिए जो लास्ट है आप लोग को एक्स ओ आर गेट, इसमें सभी मिक्सिंग है, एंड और नॉट तीनों इसमें मिक्सिंग है, तो देख सकते हैं तीनों इसमें मिक्सिंग करके हम बना दिए, आप लोग फिगर देख पा रहे हैं, तो ये है आप लोग को एक्स ओ आर गेट, ये आप लोग को पूछा नहीं जाता फिर भी देख लीजिए। इसमें जो ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिए हैं आप लोग देख सकते हैं कि जीरो 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 ये होता है, जीरो वन क्या होगा, वन होगा, और वन जीरो क्या होगा, वन होगा, ये सिंपल है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप लोग को और में क्या था, वन वन आप लोग को वन ही था, लेकिन वन वन यहाँ पे आप लोग को जीरो है, बस ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से याद हो गया होगा, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।